का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम से पहले देख लेते हैं, जो पिछले क्लास हम लोग जो उसका रूल्स लिखे थे सिंपल इंटरेस्ट का, आज उसका प्रॉब्लम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पी इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल दिया है 6000 रुपए, आर दिया है 6% पर एनम, टाइम दिया है 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई, एसआई का फॉर्मूला क्या है, पीटीआर बाय 100। एसआई इज इक्वल टू पीटीआर बाय 100, तो इसको क्या लिखेंगे, 6000 इंटू टी 2 × 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 6 × 2 × 6 राइट, तो आंसर कितना निकला 720। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी दिया है 7500, आर दिया है 4% पर एनम, टाइम दिया है 3 ईयर। अब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट निकालने से पहले हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पीटीआर पे 100, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7500 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 100 राइट। तो 4 × 3 = 12, तो 12 को क्या करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट तो ये निकला हमारा एसआई निकला। पहले एसआई निकले निकालेंगे, तो ये जो निकला हमारा जो आंसर निकला एसआई निकला 900। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू प्रिंसिपल इंटू एसआई, तो पी और एसआई को ऐड करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला पी प्लस एसआई राइट, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8400 इज द राइट आंसर राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल दिया है, एसआई दिया है, आर दिया है, अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज टाइम, टाइम का फॉर्मूला है एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर राइट। अब एसआई क्या है, एसआई दिया है 50 × 100, पी दिया है 500 × r दिया है 5, तो क्या करेंगे, 0 0 कैंसल आउट, 5 5 25, आंसर क्या निकला, 2 ईयर राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया है 2700, एसआई दिया है 900, टी दिया है, वैसे आर क्या निकालेंगे, आर का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी राइट। अब एसआई क्या दिया है, एसआई 900 × 100 डिवाइडेड बाय पी 2700 × t 3 ईयर, तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है बचा यहां पे, 10 3 3 जा 9, तो कितना होगा, आंसर निकला 1 whole 1/9% राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सम ऑफ मनी एट एसआई बिकम्स 8/5 times in 5 year, अब यहां पे क्या दिया है, 8/5 times दिया है, इसका मतलब एन दिया है, और यहां पर टाइम दिया है, अब क्या पूछा है, रेट परसेंट पूछा है, रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या था, आर इंटू टी इज इक्वल टू 100 whole into n − 1 राइट, ये फॉर्मूला था। अब इसमें देखिए दिया है टाइम दिया है रेट पूछा है एन भी दिया है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू 100 n − 1, एन माइनस वन को 8/5 − 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/5 डिवाइडेड बाई टी दिया है 5 ईयर, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 5 25 25 4 जा 100, तो आंसर कितना निकला, 4 × 3 = 12% राइट। तो ये जो पिछले क्लास का जो हमारा रूल लिखा गया था उसके बेस्ड के ऊपर हमारा प्रॉब्लम था, अब देखेंगे क्या और रूल्स है।
अब देखेंगे हमारा रूल्स क्या है। नेक्स्ट रूल, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट I1 - I2 इज इक्वल टू P1 T1 R1 by 100 माइनस P2 T2 R2 by 100, राइट। ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखेंगे उसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए लेंड 1200 टू बी, ₹1200 टू बी, बी से लेंड किया है फॉर 3 इयर्स एट ए सर्टन रेट परसेंट, राइट। एंड ₹1000 टू सी फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट। इसका मतलब क्या है, सेम टाइम मतलब टाइम इज इक्वल टू आर है। अब क्वेश्चन दिया है इट गेट्स ₹50 मोर इंटरेस्ट फ्रॉम बी देन फाइंड द रेट परसेंट। फाइंड द रेट परसेंट क्वेश्चन पूछा है, राइट। अब क्या देखेंगे, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। अब ए लेंड कर रहा है 1200, तो ये क्या दिया है, प्रिंसिपल वन दिया है, पी वन दिया है 1200 फॉर 3 ईयर, टाइम दे दिया है 3 ईयर। अब पूछा फाइंड द रेट, हमको क्या निकालना, रेट निकालना है, तो आर डिवाइडेड बाई 100 एंड 1000 रुपीज फॉर टू सी फॉर द सेम टाइम वही 3 ईयर इंटू सेम रेट, इट गेट्स 50 मोर इंटरेस्ट। इसका मतलब देखिए, अगर जब बोलेगा मोर या लेस, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इसका मतलब दो इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, 50 दिया है, राइट। तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 50 दिया है, ये I1 - I2 दिया है 50। अब क्या करेंगे देखिए, 0 0 पहले कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो 50 इज इक्वल टू 36 R 30 R, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू 6 R, तो R क्या निकला, 50 डिवाइडेड बाय 6। तो निकला 8 whole 1/3%, राइट। तो ये हो गया इसके बेस्ड के ऊपर, रूल के बेस्ड के ऊपर हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।